नमस्कार, गुड मॉर्निंग अर्गो सुपरफास्ट को स्वागत करछु मु स्वप्ना। आरंभ करबा खबर अभियान। नमामि गंगे 2.0 आरंभ करिवे मोदी सरकार। गंगा नदी एवं शाखा नदी गुडीकर स्वच्छता एवं शुद्धता अभियान को त्वरान्वित करबा पई केंद्र सरकार नमामि गंगे 2.0 योजना आरंभ करबा को जाउछन्ति। सूचना अनुसार राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन अधीन थिबा नमामि गंगे 2.0 योजना को अंतिम रूप दिया जाउछि। खूब शीघ्र यार शुभारंभ प्रक्रिया आरंभ हेबो। पिपिली रे उपनिर्वाचन परवर्ती हिंसा देखा मिली। बहु भोट व्यवधान में बीजेडी प्रार्थी रुद्र महारथी विजय हासिल करने दलय कर्मी उत्पात बढ़ी। रविवार राति भारतीय जनता पार्टी विधायक प्रार्थी आश्रित पट्टनायक घर उपर किसी बीजेडी कर्मी पक्षर आक्रमण करसहत आश्रित पट्टनायक किसी समर्थक मानजेडी कर्मी बाड़ापिटा कर बेले बीजेपी दलय पता चिरी एने आश्रित पट्टनायक बलंगा थाना अभियोग करे आश्रित घर आगे पुलिस मुतयन रही। पिपिली उपनिर्वाचन में पराजय पर पीसीसी परिवर्तन पर दावी होई। पीसीसी सभापति निरंजन पट्टनायक को हटावा को एकाठी हेले कांग्रेस नेता। कांग्रेस भवन आगे पोस्टर धरी छात्र कांग्रेस विरोध। निरंजन चेला कुमार को तुरंत विदा करने को दावी कले छात्र कांग्रेस। कंधमाल खजुरी पड़ा आईआईसी दादागिरी हाट पर आसीथिबा व्यवसायी को माड़ मारे ठेला गाड़ी थिबा गरम तेल को मध्य फिंगीदे। गरम तेल पड़ किसी व्यवसायी और साधारण लोक आहत होती। जो वीडियो एवं वायरल होबारे लगी संध्या 6टा साधा पोशाक आसी व्यवसायी को धमक देते थाना अधिकारी रमाकांत पात्र। पर व्यवसायी और आईआईसी मध्य जुक्तितर्क लगी उत्त्यक्त हो माड़ मार गरम तेल कड़ई को फिंगी खजुरी पड़ा आईआईसी। प्रतिवाद रे तातिली अंचलवासी बदली दाबी कले। भारतीय जनता पार्टी कंधमाल डिमांड करुची जे इमीडिएटली खजुरीपुड़ा आईआईसी को गिरफ्त करा जाए गिरी कोर्ट को फॉरवर्ड करा जाए। आईन आखिरे समस्त समान जदि तेबे सी आईन को हाथ को नेची अजथारे लोक को बाड़ेची मद पीकरी आ तार अतीतर इतिहास अच्छी संवाद संग्रह कर गला बेलू सांबादिक मानक गोड़ेकर बाड़ेला। सीमा लंघिला मोटु। पुलिस बर्बरता चोरी सन्देह दुई युवक थाना तीन दिन अटक रखी पुलिस निस्तुक माड़। मलकानगिरी जिला मोटु थाना अधिकारी नारे सांघातिक अभियोग। कंगारू कोर्ट रे दोषी सब्यस्त पर पुलिस पक्ष दिया जाए निर्यातना। अत्याचार एमती हो दुई युवक चलने को सक्षम ना उभय डाक्तखाना भर्ती करुषान दावी हो। कोरापुट रे दुई क्याडर महिला माओवादी आत्मसमर्पण। डीजीपी निकट में आत्मसमर्पण कले दुर्दांत माओवादी देवा पड़ियामी और गीता पड़ियामी। देवा एसीएम क्याडर होता बेले गीता मिलिटारी ग्रुप्र सदस्य थिले। देवा 2005 माओ संगठन में सामिल होता बेले गीता 2018 माओ संगठन में सामिल होते। सरकार विकासधारा सामिल होगापी माओ संगठन छाड़ा उभय दुईज विभिन्न हिंसाकांड में सामिल थी सूचना देखते डीजीपी। अन्य माओवादी को मध्य आत्मसमर्पण कर मुख्य स्रोत में सामिल होगा डीजीपी अभय आह्वान देते। आज दुईज माओवादी कार्यरत जन एसीएम रैंक उपर 4 लाख टंकार रिवार्ड थाए जन पार्टी मेम्बर तर 1 लाख टंकार रिवार्ड थाए। ये दुईज आज वायलेंस को रिनाउंस करके ए देशर ए राज्यर मेन स्ट्रीम जॉइन करने से बाट को छाड़े सरेन्डर कर उड़ीसा समाज में स्वागत करुच्ची एवं अपील करुच्ची जे बहुत अल्प लोक बची जाइए भूल। मलकानगिरी जिला गस्तरे आसी दुईटी नूतन थानार और कोठा को उद्घाटन करिछंती पुलिस डीजी अभय। स्वाभिमान अंचल जोड़ाम ठारे एक नूतन कोठा को उद्घाटन करने सह काली मेलारे मध्य थानार नूतन कोठा को उद्घाटन करिछंती। यासह जिले में माओ दमन ने समीक्षा करिछंती डीजीपी। उत्तम प्रदर्शन पर पुलिस अधिकारी प्रशंसा करने सह माओवादी आत्मसमर्पण कर मुख्य स्रोत में सामिल होगा आह्वान कर।
केन्दुझर जिलार विभिन्न दाबी नहीं मां धनई सेवा संघ पक्षर पदयात्रा भुवनेश्वर आसी मुख्यमंत्री को दाबी जणाइबा संघर कर्मकर्ता केन्दुझर रे बृहत इस्पात कारखाना प्रतिष्ठा आनंदपुर और चंपुआ को रेलपथ संजोग सह चारि दफा दाबी नहीं पदयात्रा करुछंती संगठनर कर्मकर्ता। मयूरभंज सारसकणा थाना बजाणी गांव में आठ दिन निखोज थिबा शिशुर मृतदेह उद्धार कडरा नदी मृतदेह उद्धार कला सारसकणा अग्निशम विभाग पुलिस मृतदेह व्यवच्छेद पठाइबा सह तदंत चलाइछि। व्यवच्छेद रिपोर्ट आसिबा परे मृत्युर कारण जनापड़ गत 26 तारीख में मां शौच पई जाइथिबा बेले निखोज होइ जाइथिले 4 वर्षर आयुष। केन्दुझर त्रिवेणी आर्थ मूवर्स संस्थार जने श्रमिक प्रदीप सेनापति संदेहजनक मृत्यु क्षतिपूरण दाबी में डाक्तरखाना मृतदेह को 18 घंटा अटक रखिले स्थानीय युवक और परिवार लोके खाइबा परे हठात देह असुस्थ होवारु डाक्तरखाना भर्ती करा सेठारे डाक्तर मृत घोषणा करते तेरे संस्था पक्षर मृतकों स्त्री को स्थायी निजुक्ति 25 लाख टंका क्षतिपूरण प्रदान प्रतिश्रुति देवापे मृतदेह को व्यवच्छेद निया पुलिस अपमृत्यु मामला रुजु कर तदंत चल। कलाहांडी धर्मगढ़ थाना बेहेरा पलसपड़ास गांव में रमेश मेहर को मरणांतक आक्रमण मुंड को आक्रमण सह तंटी काटिदेई चारिज दुर्बृत्त गुरुतर अवस्था भवानीपाटना मुख्य डाक्तखाना भर्ती कर पूर्व शत्रुता को आक्रमण करदेह अभियुक्त को गिरफ सह दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करने को दावी करके। सुंदरगढ़ कोईडा थाना बांझी कुसुम निकट नालरु अर्धदग्ध अवस्था महिला क्षत विक्षत मृतदेह उद्धार दुष्कर्म पर हत्या कर फिंगी सन्देह महिला परिचय अस्पष्ट रही मृतदेह जबत कर तदंत कोईडा पुलिस। नवरंगपुर जिला रायगढ़ थाना अंतर्गत फुटानड़ा सीआरपीएफ कैंप अघटन निज सर्विस रिवल्वर को निजर गुड़ी जवान आत्महत्या जवान नाम डी गोवर्धन से धरयापुर ग्राम निजामाबाद जिला तेलंगाना राज्यर बोली जनापड़ी से रोलकोल समय आत्महत्या करछंती। घटना संपर्क में रायगढ़ पुलिस को जनाइबा परे रायगढ़ तहसीलदार अतिरिक्त तहसीलदार आईआईसी प्रमुख कैंप रे पहुंची शव जबत कर व्यवच्छेद रायगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को पठाई तेज मृत्युर कारण अस्पष्ट रही। चौदार थाना कजकलना गोपालपुर शिल्पांचल चली एक बेआईन हार्डकोक डिपो उपरे एसटीएफ चढ़ाऊ कर चढ़ाऊ बेले विपुल परिमाण हार्डकोक जबत करने सह गोटे जेसीबी मशीन बुलेट और दुईट हार्डकोक बोझ ट्रक को जबत कर चौदार थाना एसटीएफ तरफ एक मामला रुजु संपृक्त चारिजण को गिरफ्त कर गोटे बुलेट मोटरसाइकिल अन्न्य आनुषंगिक कागज पत्र सब पाइलु गोटे जीसीबी भी पाइलु तदंतर प्रारंभिक तदंतर जमा पड़ा जे गोटे माफिया अच्छी जे कि बेआईन भावे किसी लोक एनगेज करी जो आम ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल्स गुड़क तार स्टॉकयार्ड भीतर को लेकर से चोरी करूला ता ना तो निकनेम भुआ अच्छी अजय कुमार प्रधान कहकर से फेरार अच्छे। केन्दुझर जिला घसीपुरा थाना पदनपुर गांव में वज्रपात नेला चाषी जीवन पदनपुर गांव आंकुरा दास धान क्षेत्र में घास काटुते समय प्राय दीर्घ समय धरी घड़घड़ी सह बिजुली मारिथिला अंकुरा उपरकू बिजुली मारिबारु सेहिठारे ही से टळी पड़ते संध्या पर्यंत घर को न फेरिबारु परिवार लोके खोजाखोजी करते धान क्षेत्र मुर्मूस अवस्था उद्धार करा डाक्तरखाना नेबा परे सेठारे डाक्तर मृत घोषणा करते। दाढ़ा पंचायत रे ग्रामवासी जॉब कार्ड को वंचित करते पीओ परे परे ग्रामवासी पंचायत ऑफिस ताला पकाई तेबे एही ताला पकाइबा घटनारे नंदनकानन थाना पुलिस दुई जन को थाना को आनी पचराउचरा करुछि तेबे सेमानंकु जेउ पुलिस थाना को डाकिछि याकु विरोध करी अनेक दाढ़ा पंचायत बासिंदा बे थाना पहुंचिथिले सेमाने जेउ कार्य करथिले सेही पारिश्रमिक देबाकु दाबी करछि। गरीब लोक मैंने आम जब कम करा नपाइबू आम से दी थर पंचायत जनईचु तापर आम बाध्य
ଗରିବ ଲୋକ ତ ପାଇଲୁନୁ ଆମେ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ଆମେ ମୂଲ ଲାଗିଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ତାଲା ପକେଇଲୁ ପଞ୍ଚାୟତ ତାଲା ପକେଇଲା ପରେ ତାପରେ ଏଇ ଆମେ ସେଇଠୁ ଥାନା ଆମ ଦୁଇଟା ପିଲାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ତାଲା ପକେଇଛ ଆମେ ତ ପାଞ୍ଚ ଗାଁରୁ ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚୁଆତିରୁ ପାଞ୍ଚ ଗାଁରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଇଛୁ ଦୁଇଟା ପିଲାଙ୍କର କେମିତି ଉଠୁଛି ଆଉ ଲୋକମାନେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ କଲେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାମ କରି ପଇସା ଯଦି ନ ପାଇଛୁ ଆମର ସେଥିପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ ଆମକୁ କାମ ଦିଆଯାଉ ଆମ ମୂଲ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ। मासिक पत्रिका दि टाइम्स दशम वार्षिक उत्सव भुवनेश्वर एक घर होटेल अनुष्ठित कार्यक्रम में शक्ति मंत्री कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र पुलिस कमिश्नर सोमेन्द्र प्रियदर्शी एसआरसी प्रदीप कुमार जेना प्रमुख जोग देते कार्यक्रम में दस जन व्यक्ति दि इंटरव्यू टाइम्स तरफ जीवंत किंवदंती सम्मान प्रदान विभिन्न क्षेत्र में पारदर्शिता लाभ कर 20 जन व्यक्ति श्रेष्ठ 20 ओडिशार प्रेरणादायी व्यक्तित्व भाव संबर्धित कर बड़ कथा है आज आम 10th एनिवर्सरी रे 10 लिविंग लीजेंड को आम सम्मानित करने को सोसाइटी रे बहुत निजर उत्कर्षता प्रतिपादन कर लिविंग लीजेंड रियल टाइम लिविंग लीजेंड यू नो कैन नॉट हेल्प इट आउट आम भाविपर जे सी भी लिविंग लीजेंड हमारे सांगे आम ओतप्रोत भाव जड़ित अच्छे इंटरव्यू टाइम्स आज या कर सम्मानित करजक भाग्यवान मन कर आज इंटरव्यू टाइम मत बेस्ट स्पोर्ट्स अफ द इयर अवार्ड दि जा तो मुझे बहुत खुशी अच्छी कहीं कि यहाँ प्रथम थर आम ओडिशा रे मत बेस्ट स्पोर्ट्स अफ द इयर दि जाए आगो विजु पट्टनायक दिता यहाँ आज मुझे बहुत खुशी। केन्दुझर टाउन थाना अंतर्गत नरणपुर गांव पोखरी अजिणा महिलाओं मृतदेह उद्धार महिला परिचय मिलपारिनी अग्निशम विभाग पक्षर पोखरी भितर मृतदेह उद्धार कर टाउन थाना पुलिस घटनास्थल में पहुंची शव को जबत करने तदंत आरंभ कर सार दोकानु 1.5 लाख टंका चोरी होगा घटना एपर्यंत अभियुक्त को धरवे पुलिस कौन पदक्षेप ग्रहण करनी जो भांगी पड़ते दोकान मालिक संजीव साहू प्रमाण थी पुलिस अभियुक्त को गिरफ्त करूनी से अभोग कराय न मिले थाना आगे धारणा बसवास आत्माहुति देवे धमक दे संजीव थाना आईएससी डीएसपी भेट थी अच्छा से भेटला पर मत भी एमती दिन गढ़ी जाती आम सब थाना पठेचु से मो कथा किसी बुझीना मुझे आसंता सोमवार दिन 4 तारिख दिन एसपी के जाए जनईबी मो गुआर जनईबी मोर एत बड़ क्षति हो जाए पंचायत निर्वाचन पूर्व बीजेपी में सामिल हेले शताधिक युवक बलांगीर जिला लोईसिंघा विधानसभा निर्वाचन मंडली आगलपुर बजार प्रांगण में बीजेपी मिश्रण पर्व अनुष्ठित प्रधानमंत्री नीति आदर्श से अनुप्राणित तो आज आगलपुर ब्लक शताधिक युवक विधिबद्ध भाव में बीजेपी में सामिल होती नूतन भाव में बीजेपी में सामिल होता युवक लोईसिंघा विधायक मुकेश महाली स्वागत यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी आदर्श से अनुप्राणित होकर आज शह शह युवक आगलपुर ब्लक सबु पंचायत रु मोटामोटी आज योगदान कर मिश्रण पर्व निश्चित भाव में भारतीय जनता पार्टी संगठन के बहुत मजबूत करवा यहाँ मोर आशा और भरोसा ये प्रकार आगलपुर मंडल रे मिश्रण पर्व डॉक्टर मुकेश महाली तरफ होता निश्चित भाव से भारतीय जनता पार्टी बलांगीर जिला तरफ बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत योग्य पद जगा अख्तियार को नहीं डेली मार्केट बेपारी रास्ता अवरोध कलाहांडी जिला जयपाटना सहर डेली मार्केट छक निकट में बेपारी माने जयपाटना मुखीगुड़ा राजरास्ता को अवरोध करिछंती जयपाटना सहर ठारे सिलिंग जाइथिबा जगार डेली मार्केट करी दीर्घ 20-25 वर्ष हला अनेक पनीपरिया बिक्री करी परिवार प्रतिपोषण करुछंती किंतु एही जगा को वर्तमान वज्रराज देव निज अख्तियार को नहीं बिक्री करथुबा नै असंतोष देखा दैछि याको विरोध करी जयपाटना सरपंच दिलीप राउत को नेतृत्व रे समस्त पनीपरिया व्यापारी आज सकाळु रास्ता अवरोध करिछंती फलरे यातायात प्रभावित होइछि 60 वर्ष ने मार्केट ने मैं दुकान कर चलुली बिना कारण ये मोर जगह बोली आसी गुंडा धरे कर 1 बजे आसी कर मके धड़म चमक दला तोर जगह कि तोर जगह बोली मके खेदी दला जेतु कि आमर 1985 रे आमर सिलिंग बेस्ट जिनका जगह के आज जेन अख्तियार करी करी बाउंड्री दौन से आम आज नहीं छाणु जेन पर्यटन डिसाइड नहीं होते आम यहाँ हम स्थाई आज समस्त लोग बसिक बस
ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପୋଲିସର ବଡ଼ ସଫଳତା, ବେଆଇନ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ବେଳେ 42 ଗୋରୁ ଉଦ୍ଧାର, 5 ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଜବତ କରିବା ସହ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବା ସମୟରେ 5 ପିକଅପ୍ ଗାଡ଼ି ସହ ଗୋରୁଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ଜବତ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ଫିଟନେସ୍ କିମ୍ବା ବୀମା ନାହିଁ। ସେଭଳି 42 ଗାଈଙ୍କୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଚୋରି କରି ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର 14 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ସନ୍ତୋଷରପୁର ଗାଁରେ 2 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଆକ୍ରମଣରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ହେଉଛନ୍ତି ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନ। ସେହି ଗାଁର କରୁଣାକର ଖିଲାର ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତଙ୍କୁ ସୋର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। କେନ୍ଦୁଝର ବଡ଼ବିଲ୍ ମେନ୍ ରୋଡ୍ରେ ଥିବା ଏକ ହାର୍ଡୱେୟାର ଦୋକାନ ଉପରକୁ ବୋମା ମାଡ଼, ସିଟିଡିପ୍ରେ କଏଦ ହେଲା ବୋମା ମାଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ। ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବୋମା ମାଡ଼ କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ଦୋକାନ ମାଲିକ ଓ କର୍ମଚାରୀ। ବୋମା ମାଡ଼ର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। ନକଲି ମଦ କାରଖାନା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ, ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଚୋରା ମଦ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଘଟଣାରେ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଚୋରା ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ ସହିତ ମଦ ତିଆରି ସରଞ୍ଜାମ ଜବତ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଉଦଳାର ପୁରୁଣା ପାଣି ଏବଂ କପ୍ତିପଦା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଖୁଣ୍ଟାଫାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ଅବକାରୀ ଟିମ୍। ପୁରୁଣା ପାଣିଠାରେ ନକଲି ମଦ ତିଆରି କାରଖାନା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିବା ବେଳେ ସେଠାରୁ ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିବା ସହିତ ମଦ ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହୃତ 40 ଲିଟର ସ୍ପିରିଟ୍, ମଦ ବୋତଲ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ଷ୍ଟିକର, ରଙ୍ଗ, ବୋତଲ ଏବଂ ଥିପି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଆଜ୍ଞା ଏମ୍ସି ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ, ଆଉ ଏମ୍ସି ପଏଣ୍ଟ ତିନିଟା, ଆଉ ନମ୍ବରାନ୍ ହାଫ୍ ଗୋଟେ, ରୟାଲ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଫ୍ ଗୋଟେ, ଏତିକି ରଖିଥିଲେ ସାର। ହଁ, ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ହଁ, ଚୋରା ଆମ ଗାଁରୁ ଗୋଟେ ଗାଁରୁ, ସେଇଠି ଆମ ଘର, ସେଇଠି ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଘର, ସେଇଠି ସେଇଠି ପାଇଛନ୍ତି। ଇଲିଗାଲ ନାହିଁ, ସବୁ ଲିଗାଲ। ହଁ, ନମ୍ବରାନ୍ ନିପ୍ ଆଉ ରୟାଲ ଗ୍ରୀନ୍ ନିପ୍। ମହେଶ୍ୱର ବାରିକ ନାମ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଘରକୁ ଏ ଡୁପ୍ଲିକେଟ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଯୁବକଙ୍କୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ। ବାଲେଶ୍ୱର ସିମୁଳିଆ ଥାନା ବାଲିଅନ୍ତା ଗାଁର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସାମଲ ନାମକ ଯୁବକ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରି ମୁମ୍ବାଇ ପଳାଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସୋର ଷ୍ଟେସନରୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣିଲା ସିମୁଳିଆ ପୋଲିସ। ଯୁବକ ଜଣକ ଏବେ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯୁବକ ଜଣକ 11 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସେ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଭିଯୋଗ କରି ସେ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଆମର ବାହାଘର 10-11 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ମୋର ଗୋଟେ 9 ବର୍ଷର ଝିଅ ବି ଅଛି। ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ବାର ବାର ସବୁ ଜାଗାରେ ମୋତେ ଟର୍ଚର କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାରେ ମୁଁ ରହିଥିଲି, ତାପରେ ବେଙ୍ଗଲୋର, ଚେନ୍ନାଇ। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ଏମିତି ମୋତେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଥରେ 2 ଥର ଏମିତି ସୁଇସାଇଡ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଇଛି। ତାପରେ ମାର୍କୁଣା ଥାନାରେ ବି ମୁଁ ଥରେ, ମାର୍କୁଣା ହସ୍ପିଟାଲ ଥରେ ବି ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମାନେ ଏମିତି ମରିଆ ପୋଜିସନ୍ରେ ବି ମୁଁ ଥରେ ହେଇଛି। ଆଉ ମୋତେ ଚେନ୍ନାଇରେ ମୋତେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ବି ଦେଇଥିଲେ। ମୋ ଭାଇ ଯାଇ ମୋତେ ଜୀବନ ରାତିରେ ବଞ୍ଚେଇଛି। ସେ କ'ଣ ପାଇଁ କରନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୋ ପାଖରୁ ମୋତେ ବାହାଘର ବେଳେ ଆମକୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ମୋ ବାପା 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାରୁ ଆମ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ମୋତେ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଟର୍ଚର କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଝିଅ ଜନ୍ମ ମୁଁ କରିଛି, ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିପାରିନି। ବାହାଘର ପାଖରୁ ସେମାନେ ମୋ ବାପମା ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି ବୋଲିକି ମୋତେ ଖାତିରି କରନ୍ତିନି, ଆମ ଗାଁକୁ ସେ କେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ରୁ 20 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, 2 ଗିରଫ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଅଡ଼ବା ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ଅଡ଼ବା ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦ୍ରାବାକୁ ଛକ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ରୁ 70 ବସ୍ତା ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଟ୍ରକ୍ଟିକୁ ଅଡ଼ବା ପୋଲିସ ଜବତ କରିବା ସହ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗରେ ଟ୍ରକ୍ର ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପରକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଲିଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜୁ ସିଂ ଏବଂ ରବି ସିଂ। ଉକ୍ତ ଗଞ୍ଜେଇ ଅଡ଼ବା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ତାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ଏସ୍ଡିପିଓ ଦିଲୀପ କୁମାର ନାୟକ। କଟକ ମୁଣ୍ଡୁଳି ବୋଟ୍ ଟ୍ରାଜେଡିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅରିନ୍ଦମ ଦାସଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ମୃତି ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରବିବାର ଜଜ୍ବା ହାସିମ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ମୃତି ସଭା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଟିଭିର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଜଜ୍ବା ହାସ୍ମି ଫାଉଣ୍ଡେସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
आदिवासी उन्नयन संस्था ओपी लिपि विरोध में नियमगिरी तेजुची डंगरिया स्वर विकास नारे नियमगिरी अंचलवासी ठकुची ओपी लिपि संस्था सरकारी बाबू भाग बंटारे चली विकास काम छह टंकार सुविधा जगाई नौ टंकार बिल चलु करुवा सांघातिक अभियोग ओपी लिपि संस्था विरुद्ध पुणि विवाद में रायगड़ा जिला विषम कटक ब्लक चाटिकणा ठारे थिबा ओपिलिपि संस्था नियमगिरी अंचल रे बसवास करुथबा डंगरिया जनजाति विकास लागि काम करुछि ओपिलिपि संस्था आउ एही संस्था माध्यम रे वर्षक कोटी कोटी टंका सरकारी तहबिल रु खर्च मध्ये होउछि हेले नियमगिरी अंचल वासी को सुविधा सुजोग मिलनथुवा अभिजोग होइछि ଆମର ଡିକେଟି ସେଟା ଟିକେ ଚଳୁଥିଲା ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅଫିସକୁ ଗଲେ ତୁମର ଲୋକକୁ ଡାକି ଆଣ ବୋଲୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହାକୁ ଡାକି କରି ନେବି ଆମେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରହୁଛୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ତୁମେ ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଲୋକ ତୁମେ ଗାଁର ଲୋକ ନଭେମ୍ବର 13ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କର୍ପୋରେଟ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ର ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍କରଣ ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ହୋଟେଲରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ 8ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଦଶ ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ ଫର୍ମାଟରେ ଏହା ଖେଳାଯିବ ଅକ୍ସନରେ 150ରୁ ଅଧିକ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ ରହିଛି ବୋଲି ଆୟୋଜକ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ବଦଳିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ରୂପରେଖ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପିପିପି ମୋଡ୍ରେ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ବିକାଶ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଓ ଦୁଇଟି ରେଳ ଟ୍ରାକ୍ ବଢ଼ିବ ରେଳ ଜମିରେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବିକାଶ କରିବ ଓ ତା ପାଖ ଜମିରେ ବିଡିଏ କରିବ ବିକାଶ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାରାଦୀପ ହରିଦାସପୁର ରେଳ ଲାଇନ୍ରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ ସହିତ ନ୍ୟୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହେବ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟେସନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୋରଦାର କରାଯିବ ସେଥିରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ ତାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରେଲୱେ ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁନୀତ ଶର୍ମା ଏନ୍ସିବିର ଗିରଫ ପରେ ଆର୍ୟନ ଓ ଅନ୍ୟ 8 ଜଣଙ୍କୁ 4 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏନ୍ସିବି କଷ୍ଟଡି ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା କୋର୍ଟରେ 5 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ଏନ୍ସିବି ଦାବି କରିଥିଲେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କଷ୍ଟଡି ମିଳିଛି ଏଥିରେ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ ସହ ଆର୍ୟନଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଥିବା ଲିଙ୍କ୍ ଖୋଜିବ ଏନ୍ସିବି ସେପଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଆର୍ୟନ ଖାନ୍ଙ୍କ ପିତା ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ଙ୍କ ଏକ ପୁରୁଣା ଭିଡିଓ ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି ଶାହରୁଖ ଭିଡିଓଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜୋରଦାର ସେୟାର କରାଯାଉଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଆର୍ୟନଙ୍କ ଗିରଫକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବଲିଉଡର କିଛି କଳାକାର No, but and you know the fact is, I would also like to add that जब ज्यादा रेड होती है तो बहुत सारे लोगों को ले लेते हैं हम अज्यूम करते हैं कि इस बच्चे ने कंज्यूम किया इस बच्चे ने ये किया आई थिंक प्रोसेस चालू है लेट्स गिव दैट चाइल्ड अ ब्रीदर हमेशा बॉलीवुड पे जब जब हमारी इंडस्ट्री की कुछ भी होती है तो हर एक चीज पे मीडिया टूट पड़ती है हर एक को समझती है कि ये वैसा ही होगा गिव द चाइल्ड एन अपॉर्चुनिटी ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ଭବାନୀପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିପୁଳ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ସେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ତିବ୍ରେୱାଲଙ୍କୁ 58,000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ହରାଇଛନ୍ତି ଏହି ବିଜୟ ପରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଭବାନୀପୁରର ଲୋକେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ସେପଟେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ନିଜର ପରାଜୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ପରାଜୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୋର୍ଟ ଯାଉନାହିଁ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମମତା 1,00,000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିବେ କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 50,000 ଭୋଟ୍ ମିଳିଛି আমি প্রথমেই ভবানীপুরের সকল মা ভাই বোনেদের আমার সকল সহকর্মীদের এবং সারা বাংলার মানুষ ভারতবর্ষের মানুষ যারা এই রেজাল্টের জন্য অপেক্ষা করছিলেন তাদের সকলকে আমাদের ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা অভিনন্দন এবং সালাম জানাচ্ছি एक तो सबसे बड़ी बात थी कि मैंने वोट के दिन ही
ये सारी चीज बोल दी थी कि जिस तरह से ये लोग वोट कराने की कोशिश कर रहे हैं, झमेला कराने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैंने पहले दिन ही बोल दिया था। तो एनीवेज डजंट मैटर, आई विल स्टिल कीप ऑन वर्किंग हार्ड। बात कर रहे थे क्या कहेंगे, मेन ऑफ द मैच की बात कर रहे थे, ये तो आप मुझे बताइए। देखिए, मैंने कल किसी का कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट की कोई न्यूज देखी, उसमें वो कह रहे थे कि जब एक मैच होता है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया समझे, तो कोई एक टीम जीतती है एक हारती है, चलिए एक टीम जीत गई ममता बनर्जी की, लेकिन जरूरी नहीं कि जीतने वाले टीम का ही मैन ऑफ द मैच हो। तो इस गेम की मैन ऑफ द मैच मैं हूँ, ये मैंने साबित किया। उस गढ़ में जाकर के मैंने इलेक्शन लड़ा पूरे साहस के साथ और 25,000 वोट से ज्यादा मुझे मिले हैं। परिणाम को देखते हुए मैं यही कहूंगी कि देखिए, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का साहस फिर भी कम नहीं होता। हिमाचल प्रदेश रो मंडी आसन रे हेबाकु थिबा उपनिर्वाचन रे बॉलीवुड बीजेपी प्रार्थी होई परंती अभिनेत्री कंगना रणावत। पूर्वतन बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा को मृत्यु परठारु एही आसन खाली रहिछि। मंडी लोकसभा व्यतीत हिमाचल बीजेपी रो निर्वाचन कमिटी राज्यर तीनोटी विधानसभा आसन रे अक्टोबर 30 रे हेबाकु थिबा उपनिर्वाचन पई प्रार्थी चुडांत करबाकु धर्मशाला रे बैठक बसिबाकु जाउछि। राज्यर फतेहपुर जुबल कोथाकाई एवं आरकी विधानसभा आसन रे मध्य उपनिर्वाचन अनुष्ठित हेबो। चलित वर्ष जुलाई 8 रे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को मृत्यु परे सीट खाली पड़ी। वर्तमान अर्गस सुपरफास्ट समय सरी विदाय दियंतु, नमस्कार।